शरीर ही रिश्ता बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है। जिसे लोग आज प्रेम कह रहे हैं वो असल में बस एक म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम है। आपको प्रेम में गिरने की जरूरत है, आपके अंदर से कुछ जाना चाहिए, तभी प्रेम के लिए जगह बनती है। हम अपने जीवन की कठिन घटनाओं और अतीत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? अलेक्जेंडर, मुझे लगा प्रेम का मकसद साथ आना है, अलग होना नहीं है। आई नो। तो मैं जानता हूं कि ये चीजें हर जगह हो रही हैं, क्योंकि हम जीवन को जीवन की तरह नहीं देख रहे हैं। हमें जिस तरह से पढ़ाया गया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, विज्ञान और तकनीकी का हमारा विचार सिर्फ इतना रह गया है कि अपने फायदे के लिए हर चीज का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर धरती के सबसे बड़े जानवर तक, सब कुछ हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां तक कि धरती का भी हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें दुर्भाग्य से इंसान भी शामिल हैं। तो ये जिसे लोग आज प्रेम कह रहे हैं वो असल में बस एक म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम है। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा। अगर तुम मुझे वो नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। और इसीलिए आप प्रेम के प्रश्न को ब्रेकअप और तलाक से शुरू कर रहे हैं। ये सच है। जीवन की मेरी समझ में प्रेम का मकसद दो जिंदगियों को साथ जोड़ना है, दो जिंदगियों का एक जैसा हो जाना। लेकिन अब हम ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। आज जब हम प्रेम की बात करते हैं तो लोग एक्सपायरी डेट के बारे में सोच रहे हैं। एक्सपायरी डेट, ये कितना लंबा चलेगा। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग किसी के साथ जीवन साझा करने की गहराई को नहीं जान पाएंगे, या क्योंकि जब आप वाकई किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को कुछ हद तक खाली करना होगा, आप में से कुछ गिरना चाहिए। अंग्रेजी अभिव्यक्ति, पता नहीं फ्रेंच में क्या कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में प्रेम में पड़ना कहते हैं, जो कि अच्छा है। देखिए, आप प्रेम में ऊपर नहीं उठ सकते, प्रेम में उड़ नहीं सकते, प्रेम में चढ़ नहीं सकते, आप प्रेम में केवल गिर सकते हैं। आप में से कुछ ना कुछ गिरना चाहिए। तो अभी हम प्रेम में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हर वक्त परेशानियां होती हैं। तो फ्रेंच में प्रेम में पढ़ने के लिए कुछ है क्या? ये वही है, ये टॉम्बेर अमुरु है, जिसका अर्थ प्रेम में पढ़ना होता है, हम भी वही कहते हैं। ये अच्छा है, फ्रेंच अभी भी प्रेम में पढ़ रहे हैं, सुनकर अच्छा लगा। क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ एक म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम बन गया है कि मैं जो चाहता हूँ वो कैसे पालूं। लव इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योरसेल्फ वल्नरेबल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लूज योरसेल्फ। प्रेम का मकसद वो पाना नहीं है जो आप चाहते हैं, ये खुद को नाजुक बना लेने का अवसर है, ये अवसर है अपने आप को खो देने का। ये कोई लाभ कमाने की योजना नहीं है, प्रेम लाभ कमाने वाली योजना नहीं है, ये स्वेच्छा से घाटा उठाने जैसा है, प्रेम बस यही है। लेकिन जैसे ही आप फायदा सोचने लगते हैं तो जाहिर है कि पहले दिन से ही टकराव पैदा होगा। केवल हार्मोनल आकर्षण की वजह से हो सकता है लोग साथ आ रहे हों, नहीं तो जिस तरह से हम आधुनिक समाज को बना रहे हैं, हमने प्रेम के लिए लगभग कोई जगह नहीं छोड़ी है। हम ये देखते हैं कि मैं तुमसे क्या हासिल कर सकता हूं। तो जब ये तरीका है तो ब्रेकअप स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि अगर आप दूसरों से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपका जीवन किसी से अपना सर्वोत्तम साझा करने के बारे में है तो ये काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से ये ज्यादातर इसी दिशा में जा रहे हैं कि मैं तुमसे क्या हासिल कर सकता हूं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो इस प्रेम में गिरने को वापस आना होगा। अभी लोग प्रेम कर रहे हैं, नहीं नहीं, आपको प्रेम में गिरने की जरूरत है, आपके अंदर से कुछ जाना चाहिए, तभी प्रेम के लिए जगह बनती है। वरना यह सिर्फ एक म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम है, जिस पल आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा निश्चित रूप से यह खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक जोक सुनाता हूं, ठीक है ना? फ्रेंच मजाक तो करने देते हैं ना? हाँ, मुझे जोक पसंद है। एक फ्रांसीसी व्यक्ति का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था और उसे अभी अभी अपने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज मिला। लड़की ने कहा,
कि सब खत्म हो चुका है। तो वो धीरे धीरे से पढ़ रहा था और उसकी माँ ने आकर पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? वो उन्हें नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं एक बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी पढ़ रहा हूं। माँ ने उसे देखा और कहा, लग रहा है कि तुम प्याज काटने पर आ गए हो, क्योंकि वो रो रहा था। लगता है तुम उस हिस्से पर आ गए हो जहां वो प्याज काट रहे हैं। तो भले ही आप प्याज काटते समय आपकी आंखें भर आएं, अगर आप अच्छे से पकाते हैं तब भी खाना अच्छा लगता है ना? तो ये पूरी बात कि इंसान अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अंग्रेजी भाषा में ऐसा हो गया है, मुझे लगता है, मुझे शक है कि शायद फ्रेंच लोगों ने ही इसे शुरू किया होगा, कि हमारे लिए यहां भारत में हम जब संबंध या रिश्ता कहते हैं तो ये कई तरह का हो सकता है। ये हमारे माता पिता के साथ हो सकता है, भाई बहनों के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, गुरु और शिष्य के बीच रिश्ता होता है, तरह तरह के रिश्ते होते हैं। लेकिन पश्चिम में अब ऐसा हो गया है कि अगर आप संबंध कहते हैं तो इसका मतलब है केवल शारीरिक संबंध। दुर्भाग्य से इसकी वो कीमत भी चुका रहे हैं, क्योंकि शरीर ही रिश्ता बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है। शारीरिक संपर्क रिश्ता बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है। बौद्धिक रूप से आप रिश्ता रख सकते हैं, भावनात्मक रूप से आप रिश्ता रख सकते हैं। इसलिए भावनात्मक रिश्ते हमेशा कहीं ज्यादा क्या कह सकते हैं, आपके जीवन को अधिक स्पर्श करने वाले और अधिक कोमल होते हैं शारीरिक रिश्तों की तुलना में। लेकिन अभी हमने इसे इस तरह बना दिया है, अगर आप संबंध शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हर कोई ये मान लेता है कि आपका संबंध शरीर आधारित है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल करने से भी डरता हूं। अगर मैं कहूं एलेक्जेंडर के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं तो लोग कुछ और ही समझ लेंगे। क्या आपको लगता है कि भावनात्मक रिश्ता शारीरिक रिश्ते से ज्यादा ताकतवर होगा या हो सकता है? बिल्कुल, शरीरों की केवल मुलाकात हो सकती है, रिश्ते नहीं। रिश्ते बनाने के लिए मन और भावना की जरूरत होती है ना? और ये बहुत प्रभावशाली होता है जब आप अपनी भावनाओं को किसी चीज में लगाते हैं। केवल तभी जीवन प्रभावशाली बनता है और सचमुच जीना सार्थक लगता है।